हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फाउंडेशन और फुटिंग से रिलेटेड पूरी फुल डिटेल विड्रॉइंग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का प्रोसेस। मतलब इस वीडियो में आप रेनफोर्समेंट से रिलेटेड फुटिंग का हर कुछ सीखेंगे। पेडेस्टल क्या होता है, स्टार्टर क्या होता है, फुटिंग क्या होती है, पूरी फुल डिटेल मिलेगी। और एनफोर्समेंट डिटेल ड्राइंग में हमारा कहाँ शो अप रहता है और साइड पे कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, पूरी डिटेल आपको मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। सो आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर हाँ, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी जो भी हैं हमारे इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी नॉलेज को ग्रो कर पाएँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जो डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये है हमारा फाउंडेशन प्लान। फाउंडेशन प्लान मतलब अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर का काम करवा रहे हैं तो उसका बेसिक जो फर्स्ट ड्राइंग होता है वो ये हमारा है, जहाँ से हम लोग फुटिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो आइए इस ड्राइंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं ऊपर हमारा ए बी सी डी करके क्यू तक यहाँ नोटेड है, ये क्या है, और इधर हमारा 1 2 3 4 करके 11 तक है। ये इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन, ठीक है। ये ग्रिड लाइन है जिसके थ्रू पता चलता है कि हमारा कौन सी ग्रिड लाइन पे कितनी कॉलम आ रही हैं। जैसे कि ये कॉलम हमारा कौन से ग्रिड लाइन पे है, ए पे है, और इस कॉलम का और इस कॉलम का इस फुटिंग का मतलब किस ग्रिड लाइन पे है, ए वन पे है। अब बात करते हैं हम आगे इस फुटिंग की, तो ये हमारी कौन सी है, जी वन पे है, ठीक है। ऐसे हम कोई भी फुटिंग और हर एक कॉलम हम देख सकते हैं कि कौन से ग्रिड लाइन पे आ रही है, ठीक। पहला आप ग्रिड लाइन देखना सीख गए। दूसरा बात करते हैं फुटिंग की, तो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर शेप में जो बना हुआ है डिस्प्ले पे, ये जो स्क्वायर शेप में बना हुआ है ये हमारा फुटिंग है, ठीक है। अब इस पर आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है। जैसे कि बात करें इस फुटिंग की, तो ये हमारी कौन सी ग्रिड लाइन पे है, तो B1 पे है। ये हमारी फुटिंग B1 पे है, ये कॉलम हमारा B1 पे है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले ये ऊपर आप देख रहे हैं फुटिंग का साइज दिया हुआ है 2100 बाई 2100। जूम करके दिखाएं तो ये हमारा एक, यहाँ पे आपको दो लाइनें दिख रही होंगी, एक ब्लू कलर का, एक उसके पीछे डार्क ये आपका ग्रे कलर पे है। तो जो ग्रे कलर वाला लाइन शो कर रहा है वो हमारा PCC शो कर रहा है, ठीक है। और जो ब्लू कलर वाला लाइन शो कर रहा है ये हमारा फुटिंग का साइज शो कर रहा है। आइए मैं एक दूसरे साइड व्यू से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इस इमेज में आपको क्लियर होगा। ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, नीचे जो देख रहे हैं बाहर की तरफ, ये हमारा PCC है, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं या मतलब इधर से कुछ प्लेस अंदर और यहाँ से भी कुछ डिस्टेंस अंदर हमारा फुटिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो वही दो लाइनें दिखा रही है, एक लाइन हमारा दिखा रही है इस PCC का, ठीक है, दोनों तरफ, और दूसरी लाइन हमारी दिखा रही है इस फुटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने दो लाइन देखा, ब्लू कलर और ग्रे कलर। ब्लू कलर वाली हमारी फुटिंग शो कर रहा है और ग्रे कलर वाली जो है वो PCC शो कर रहा है। तो यहाँ पे मेजरमेंट जो दिया हुआ है ये मेजरमेंट हमारा फुटिंग का है। तो फुटिंग कितने यहाँ दिखा रहे हैं, ये मेजरमेंट हमारा फुटिंग का दिया हुआ है, PCC का नहीं दिया हुआ है। फुटिंग कितने का दिखा रहा है, 2100 बाई 2100, ठीक है। ये हमारा फुटिंग 2100 बाई 2100 है। इस फुटिंग का नाम क्या है, तो F5, ठीक है। ऐसे ही आप ये भी F5 है, तो ये भी 2100 बाई 2100 होगा। अब जितने भी F5 होंगे इधर आप देख लेंगे, सब 2100 बाई 2100 का ही होगा। जैसे कि F5 हमारा कहाँ है, जैसे कि देखिए F5 में पकअप था ये कॉर्नर पे, ये भी हमारा 2100 बाई 2100 का, ये फुटिंग हमारा F5 है। अब बात करते हैं इस फुटिंग के बाद इसमें क्या दिया रहता है, हमारा दिया है C6। C6 क्या है, तो C6 जो है ये हमारा कॉलम है, ठीक है। ऐसे करके आपको C1 C2 C3 मतलब हर कॉलम अलग अलग देगा। ऐसे यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C2 है, फिर यहाँ पे हमारा कॉलम C1 है, यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा कॉलम C6 है, यहाँ पे बात करेंगे तो कॉलम C4 है। ऐसे करके मतलब हर फुटिंग पे अलग अलग कॉलम दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ हमारा कॉलम कौन सा है, C6 है। अब दूसरी फुटिंग पे आप बात करें इस फुटिंग पे भी, तो ये फुटिंग हमारा कॉलम यहाँ पे कौन सा है, C6 है, लेकिन फुटिंग हमारा F6 है, यहाँ पे फुटिंग क्या था, F5 है। मतलब इन दोनों की साइज़ में कुछ ना कुछ अंतर होगा। इसकी डिटेल किस साइज़ की है फुटिंग हमारी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। तो ये हमारी फुटिंग हम यहाँ से देख ले रहे हैं। अब बात करते हैं, तो ये हमारा जितना है, ये देखिए एक फुटिंग में एक कॉलम आ रहा है, मतलब ये जितना भी फुटिंग दिखा रही है हमारा आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है। कंबाइंड फुटिंग कौन सी हो जाती है, जहाँ एक फुटिंग में दो कॉलम आते हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा कॉलम आते हैं। अब बात करते हैं हम इस पर जो पड़ रही है G2 पे, ग्रिड लाइन G2 और G3 पे
जो हमारी फुटिंग पड़ रही है, दो कॉलम है और एक फुटिंग के अंदर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंबाइंड फुटिंग हो गया। ठीक है, अब ऐसे देखेंगे कि हमारे एक फुटिंग पे कहीं कहीं चार चार कॉलम है। जैसे ये देखिए, ये हमारा फुटिंग है, इस पर हमारा कौन सा फुटिंग है, तो फुटिंग का नाम हमारा CF7 है। ठीक है, कंबाइंड फुटिंग 7 है। ठीक है, अब इसका साइज हमारा यहाँ से गिवन है। ठीक है, उसके बाद इस कॉलम से आप फुटिंग की डिस्टेंस कितनी है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइंग में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इस फुटिंग की पूरी डिटेल। यहाँ पे देखिए आपका चार कॉलम है, C4 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 और C4, मतलब चारों कॉलम C4 हैं। कॉलम C4 क्या है, इस C4 इस मतलब रेनफोर्समेंट के लिए इससे हेल्पफुल मिलता है। बताइए C4 का रेनफोर्समेंट का तरीका कुछ अलग होगा। यहाँ पे बात करें हम तो यहाँ पे C3 है, तो C3 का रेनफोर्समेंट का तरीका कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे आपको कंबाइंड फुटिंग कौन सी है और आइसोलेटेड फुटिंग कौन सी है, ये आपको फाउंडेशन प्लान से देखने और समझने को मिला। अब बात करते हैं हम इसका साइड प्लान से फुटिंग की पूरी डिटेल, एनफोर्समेंट की डिटेल। तो आइए अब इस पे आते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले पे शो हो के आ रहा है, ये हमारा फुटिंग की डिटेल है। ठीक है, अब इस ड्राइंग का हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाया है, प्लान ऑफ टाइपिकल फुटिंग डिटेल। ठीक है, यहाँ पे हमारा बताए थे आपको दो तरह की फुटिंग आ रही थी, एक आ रही थी कौन सी, तो कंबाइन, और दूसरी हमारा आ रही थी आइसोलेटेड। ठीक है, तो ये जो हमारा है आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड का डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, फुटिंग तो हमारी आइसोलेटेड का डिटेल दिया हुआ है, लेकिन ऊपर जो देखेंगे आप ये कंबाइंड का डिटेल दिया हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं फुटिंग की। तो जितना ये देख रहे हैं आप डिटेल ऑफ फुटिंग, ये हमारा F1 F2 F3 और मतलब F8 तक है। ठीक है, F1 से F8 तक है फुटिंग हमारी, जो हर जगह अलग अलग F1 F2 F3 F4 ऐसे था। ठीक है, इसके बाद जो आपको इसका डिटेल पूरा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डिटेल पूरा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और जो कंबाइंड फुटिंग आ रही थी उसका डिटेल हमारा हर मतलब फुटिंग का अलग अलग सेक्शन काट के दिखाया हुआ है। तो आइए हम आइसोलेटेड फुटिंग की पूरी डिटेल मेरे पिछले वीडियो में पड़ी है, तो इसलिए मैं आइसोलेटेड का डिस्कस नहीं करता हूँ। ये हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग का पार्ट 4 है, तो आप मेरे पिछला वीडियो भी पार्ट 1, 2 और 3 बिल्कुल देखें, ताकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अब बात करते हैं कंबाइंड फुटिंग की। ठीक है, तो एक यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग दिखा रहा है हमारा कौन सा, कंबाइंड फुटिंग 1, 2 और 4। वह कंबाइंड फुटिंग 1, 2 और 4 जो होगा उसके लिए हम रेनफोर्समेंट ऐसे देंगे। अब बताइए देखिए इस रेनफोर्समेंट में क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है सबसे पहले नीचे हमारा PCC। अब हम फाउंडेशन प्लान से भी कंबाइंड फुटिंग 1, 2 और 4 को देखते हैं। आइए अब ये देखिए, ये एक हमारा क्या है, कंबाइंड फुटिंग 2 है, ये हमारा कंबाइंड फुटिंग 2 है। दूसरे की बात करें तो ये हमारा कंबाइंड फुटिंग कितना है, 1 है। हाँ, तो 1, 2 और 4 के लिए हमारा एक सेक्शन दिखाया हुआ है। तीसरा बात करें हम कंबाइंड फुटिंग 4 हमारा ये है। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारा कंबाइंड फुटिंग 2 हो गया। अब इसकी रेनफोर्समेंट डिटेल की बात करें तो ये जो हमारा है PCC का लेंथ कितना है, 3750। देखिए आउटर से दिखाया दोनों तरफ PCC का लेंथ 3750। अब साइड पे इसको कैसे देते हैं, तो आइए मैं एक साइड व्यू से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब हम इस इमेज को जूम करते हैं, तो ये जो हमारा PCC है, ये जो हमारा PCC है, ठीक है, ये PCC है, इसका एक लेंथ और मतलब रेक्टेंगल शेप में है। इसमें आपको दो लेंथ देखने को मिली, एक लेंथ ऐसे दूसरा लेंथ ऐसे। ठीक है, तो दोनों लेंथ की मैं, तो ये जो आप प्लान देख रहे हैं इसमें बस एक लेंथ दिखाया है कि हमारी एक लेंथ 37 है। दूसरा लेंथ कितने का है, तो दूसरा लेंथ हम लोग कैसे देखेंगे, तो फाउंडेशन प्लान ओपन करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन प्लान में हमारा क्या दिखा रहा है, एक लेंथ हमारा दिखा रहा है 3600, दूसरा लेंथ दिखा रहा है 4400। ठीक है, ये फुटिंग का है। ठीक, तो 3600 जब हमारा फुटिंग का लेंथ है तो देखेंगे कि हमारा कितना इसमें बढ़ रहा था। तो देखिए ये 3600 फुटिंग का लेंथ है, तो हमारा कितना था 3750, मतलब 150 mm हमारा PCC ज़्यादा हो रहा है इसके लेंथ के अकॉर्डिंग। ये 75 mm इधर बाहर और 75 mm इस साइड बाहर। ठीक है, तो ऐसे हम देख लेंगे ये 3600 के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा हमारा साइज था 4400 का, तो 4400 में 150 प्लस कर देंगे तो 4550 लेंथ निकल जाएगा। तो आपको दो लेंथ मिल गया, एक लेंथ मिल गया 3750,
और दूसरा मिल गया 4550। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो ये जो लेंथ हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कितना 3750, और दूसरा यहाँ से लेके ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4450। PCC का साइज क्लियर हो गया। उसके बाद बात करेंगे फुटिंग की, तो फुटिंग हमारा इधर से कितना लेंथ था 3600, और पीछे जो जा रहा था वो कितना था, वो हमारा था 4400। तो फुटिंग का साइज भी हम लोग यहाँ से देख लिए, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ये जो ऊपर, यहाँ से देखेंगे ऊपर की तरफ, आप यहाँ से ऊपर 150 mm ये सो किया है, ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ये होता है पेडेस्टल, ठीक है। अब ये देखेंगे कि हमारी फुटिंग में रेनफोर्समेंट दिखा रहा है, नीचे देखेंगे एक मेन बार दिखा रहा है, उसके ऊपर दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार शो हो के आ रहा है। इसकी इस रेनफोर्समेंट की पूरी डिटेल नीचे गिवन रहता है। ये ब्लू लाइन से जो डॉटेड होके आ रहा है वो हमारा 16x160 cm, मतलब 16 mm का सर 160 mm की स्पेसिंग है। दूसरी बात करें हम डिस्ट्रीब्यूशन बार की, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है 12 mm का है और उसकी स्पेसिंग हमारी 200 है, ठीक है। अब ये साइट पे प्रोवाइड कैसे करते हैं, बात करते हैं इस फुटिंग में, तो इस फुटिंग में दो रेनफोर्समेंट, अगर सिर्फ बॉटम बार की बात करें तो बॉटम में देखेंगे एक रेनफोर्समेंट जो हमारा है ऐसे प्रोवाइड किया, इसका लेंथ छोटा, ये हमारा मेन बार हो गया। दूसरा हमारा बात करते हैं इस इमेज की, तो इसमें आप नीचे देख रहे हैं एक मेन बार हमारा आया हुआ है, दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो यही वो जो एक नीचे देख रहे हैं दो सरिया शो कर रहा है, एक हमारा नीचे सर है, दूसरा इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो एक सरिया अगर जैसे कि हम साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये वाला जो सरिया जा रहा है ये हमारा दिखेगा, ऊपर वाला जब नहीं ऊपर वाला कैसे दिखेगा, तो ये सिर्फ सरिया आ रहा है तो वही दिखेगा ऊपर वाला, तो ये हमारा शो कर रहा है मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो 16 mm का है और एक 12 mm का है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एक चीज़ और, ये पेडेस्टल, पेडेस्टल और पेडेस्टल में आप देखेंगे कि ठीक, तो आपका ये मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक। इसके बाद है एक बीम जा रही है, ये बीम कैसे जा रही है, तो फुटिंग प्लान में दिखा रहा है, ये हमारा जो CF2 ये फुटिंग थी, ये कॉलम और ये जो साइड कॉलम, इन दोनों कॉलम को एक बीम के थ्रू बांधा गया है नीचे में। अब बीम कैसे देते हैं, आप इस फुटिंग को देखेंगे तो इसमें देखेंगे ये जो हमारी फुटिंग है नीचे एक बीम गई है डायरेक्ट यहाँ से लेके इस कॉलम तक, तो ये जो बीम है वो शो कर रहा है। अब इसकी रेनफोर्समेंट डिटेल भी हम लोग को इस ड्राइंग के माध्यम से मिल जाएगी। अब इस बीम की बात करें तो बीम कितने का है, तो हमारा 450 ये बीम का लेंथ है, और इसकी डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ हमारा कितना है यहाँ से देखेंगे, हमारा बीम 650 + 150, मतलब 650 + 150 ऊपर टॉप तक जा रहा है, ठीक है। 800 का हमारा टोटल डेप्थ जा रहा है। अब बात करें रेनफोर्समेंट की, तो रेनफोर्समेंट में आप देखेंगे बॉटम में हमारा कितना 6 सरिया है 20 mm का, और टॉप में हमारा कितना है, टॉप में जो है हमारा 4 सरिया है 20 mm का, मतलब इसमें 20 mm का सरिया है, ठीक है। और रिंग कितना लग रहा है, एक हमारा आउटर ये रिंग लग रहा है जिसको बोलते हैं मास्टर रिंग, और दूसरा हमारा एक और रिंग लग रहा है बीच में, ठीक है। तो ये रिंग किस चीज़ का है, तो रिंग हमारा 8 mm सरिये का है जिसकी स्पेसिंग 150 cm to cm है, ठीक है, 4 leg। अब बात करते हैं इसकी फाउंडेशन से हम लोग को रेनफोर्समेंट की डिटेल मिल गई, फुटिंग का साइज पता चल गया, ठीक है। किस लोकेशन पे बीम है हम देख लेंगे, इसमें से कि हमारा CF1-2-4 में एक बीम दिखा रहा है, यही बात करें तो यहाँ भी हमारा बीम दिखा रहा है, ऐसे हर फुटिंग हमारा बीम से कनेक्टेड है। और दूसरा हम बात करते हैं ये हमारा फुटिंग थोड़ा अलग है, CF7 और CF55 जो है, Section 855 फुटिंग टाइप 7। अब फुटिंग टाइप 7 को देखते हैं कि 7 क्या है, तो फुटिंग टाइप 7 जो है कंबाइंड फुटिंग 7 ये हमारा था, इसमें क्या था कि हमारा 4 कॉलम एक दूसरे से कनेक्टेड है, C4 और C4 4 कॉलम के लिए एक फुटिंग दिया गया है, ठीक है। अब इसकी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग मैं आप लोग को समझाता हूँ, इससे पहले आप लोग इसका साइज देख लें, साइज फुटिंग का 5150 x 5150 है। अब रेनफोर्समेंट डिटेल की बात करते हैं, तो रेनफोर्समेंट डिटेल आपको यहाँ से मिलेगा, सेम वही केस आएगा, इसमें मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार बॉटम में है और टॉप में दोनों में है, इसमें क्या था सिर्फ बॉटम में था, ठीक है। अब बात करते हैं तो वही रेनफोर्समेंट 16 mm का है, 150 स्पेसिंग है बोथ वे, मतलब जो हमारा एक मेन बार जा रहा है और दूसरा हमारा कैसा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस फुटिंग की PCC देखें तो PCC हमारा 5250 है,
ठीक है, दोनों तरफ 75-75 mm बाहर फुटिंग की साइज से। फुटिंग का डेप्थ देखें तो डेप्थ हमारा कितना है, 500 आ रहा है। पीसीसी का डेप्थ देखें तो यहाँ 100 mm दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फुटिंग है पूरा एक रेक्टेंगल के शेप में, स्क्वायर के शेप में, 51x51 है तो एक स्क्वायर के शेप में ये हमारा फुटिंग आएगा। ये आप जो ऊपर देख रहे हैं 200 निकला हुआ है, ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक है। अब बात करते हैं साइड से कि साइड से ये हमारा फुटिंग कैसा दिखेगा, ठीक है। आप ये फुटिंग ये देख रहे हैं, ये राफ्ट मैट फुटिंग है जिसमें हमारा 4 कॉलम ये एक फुटिंग में ही शो किया गया है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और ये 4 कॉलम, ठीक है। अब इसका रेनफोर्समेंट कैसे दिया गया है वो आप इस इमेज के माध्यम से ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे। देखिए बॉटम में भी रेनफोर्समेंट हमारा मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार गया है, सेम वही चीज़ हमारा टॉप में भी, ये देखेंगे मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार गया है, वही हमारा ड्रॉइंग में शो कर रहा था। यहाँ हमारा क्या दिखा रहा था, यहाँ हमारा दिखा रहा था बॉटम में भी मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप में भी मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। कितने mm का है वो आप देखना जान गए कि यहाँ 16 है 150 mm का सरिया, 150 की स्पेसिंग है। टॉप वाले की बात करें 12 mm का सरिया है और 150 की स्पेसिंग है बोथ वे एक्स और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ कवर नहीं करूँगा ताकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आइए बात करते हैं अब कुछ कॉलम जो दिखा रहा था, मैं कॉलम की डिटेल दे के एंड करूँगा, फिर मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लाऊँगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग पार्ट 4। तो आप उस वीडियो में मैं कुछ छूटी हुई चीज़ें हैं जो कवर करूँगा। अब कुछ कॉलम की डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो कॉलम जो हमारा है, जो बता रहे थे C1 C2 C3 C4 C5 C6 जो कॉलम आ रहा था हमारा फुटिंग में, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे यहाँ हमारा C5 है, यहाँ हमारा C5 है, यहाँ C5 है, यहाँ C5 है, यहाँ C6 है, कुछ कॉलम यहाँ हमारा C3 कॉलम है, ठीक है। जैसे यहाँ हमारा C2 कॉलम, यहाँ C2 है, यहाँ C4 है, ऐसे मतलब हर फुटिंग पे अलग अलग कॉलम है। अब कॉलम की रेनफोर्समेंट डिटेल देखनी हो हम कहाँ से देखेंगे, तो हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। हमारा कॉलम C1 है, C1 में कितनी सरिया लग रही हैं तो आप देखेंगे 4 नीचे 4 8 और बीच में 4 12, मतलब टोटल 12 सरिया लग रही हैं। ऊपर वाली जो सरिया हैं ये हमारा क्या है, 2 सरिया 20 mm का है, फिर 2 सरिया आपको दिखा रहा है 25 कॉर्नर पे लग रहा है, 2 सरिया 25 mm का है, मिड में जो दोनों लग रहा है वो 20 mm का है, फिर उसके नीचे जो बीच में ये चारों लग रहा है ये 4 सरिया हमारा 20 mm का है, नीचे देखें तो फिर हमारा 2 सरिया 25 mm जो कॉर्नर पे लग रहा है और बीच में जो लग रहा है 2 सरिया 20 mm का है। कॉलम की साइज़ की बात करें तो साइज़ हमारा है 350x350 कॉलम का साइज़ है। तो कॉलम की रेनफोर्समेंट डिटेल हम यहाँ से देख लेंगे। अब उसके बाद कॉलम का 2 जोन दिखा रहा है, एक इंड जोन एक मिड जोन, नीचे देखें तो हम ये हमारा क्या है, इसमें स्टीरअप्स की स्पेसिंग दिखाया है। इंड जोन पे क्या होगा, 100 पे होगा, 100 mm सेंटर से सेंटर, और मिड जोन पे क्या होगा 150। अब बात करते हैं इंड जोन और मिड जोन की, तो हमारा ये क्लियर होगा यहाँ से। अब आप हम इस कॉलम को देखें तो ये हमारा इंड जोन कहाँ दिखा रहा है, यहाँ से मतलब स्लैब बीम के बॉटम से 750 तक हमारा इंड जोन आ रहा है, फिर नीचे हमारा नीचे से प्रिंथ बीम से हमारा टॉप तक 750 आ रहा है, लेकिन बीच का जो स्पेस बच जा रहा है वो हमारा मिड जोन हो रहा है, ठीक है। अब हमारा देखेंगे इंड जोन, इंड जोन पे जो आपको स्पेसिंग शो कर रहा था वो 100 mm और मिड जोन पे हमारा 150 mm, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इंड जोन पे हमारा स्पेसिंग कुछ कम है, ठीक है। यहाँ पे इंड जोन पे बात करें तो स्पेसिंग हमारा कम है लेकिन मिड जोन पे ज़्यादा है, वही स्पेसिंग की डिटेल हम यहाँ से देख लेंगे। तो कॉलम फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग की पूरी रेनफोर्समेंट डिटेल और ड्राइंग में कहाँ शो अप रहता है, फाउंडेशन डिटेल में हमारा फुटिंग और कॉलम किस लोकेशन पे कौन सी फुटिंग है और कौन सा कॉलम है वो चीज़ शो अप रहता है, ठीक है। ये कुछ लोकेशन पे कौन सी फुटिंग है, किस ग्रिड लाइन पे कौन सी फुटिंग आती है, ये हमारा फाउंडेशन प्लान से क्लियर होगा। उसकी रेनफोर्समेंट डिटेल हमारा जो है ये इस प्लान से हमारा फुटिंग डिटेल जो प्लान रहता है इससे हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें ताकि आप और आपके दोस्त भी हमारे वीडियो को देख पाएँ, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप सिविल से रिलेटेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप सपोर्ट बनाए रखें, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ स्ट्रक्चरल ड्राइंग पार्ट 4 के नाम से। आपके लिए बस इतना ही, धन्यवाद।